दुर्गा पूजा की यादें मुझे सीधे दुर्गा पूजा के पंडाल की तरफ लेकर जाती हैं। देवी जी का दर्शन, बंगाली दोस्तों के साथ सिंदूर खेला और स्टॉल का रसगुल्ला मेरा फेवरेट हुआ करता था। उसी टेस्ट को मैं मीनू आज माँ के स्वाद में आपके घर तक पहुँचाऊंगी, वो भी बहुत सारी टिप्स के साथ। तो चलिए बनाते हैं एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी छेने का रसगुल्ला। सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं और मीडियम फ्लेम पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध को उबलने के लिए चढ़ाते हैं। अगर आप लो फैट टोन्ड या स्किम्ड मिल्क लेते हैं तो उसमें फैट पहले से निकला होता है, इसलिए रसगुल्ले स्पॉन्जी नहीं बनते। इसलिए मैंने यहाँ पर फुल फैट वाला दूध लिया है। काफी लोगों का दूध उबलते हुए गिर जाता है। आप दूध उबलते वक्त भगोने या पैन के ऊपर एक लकड़ी की कलछी रख दें, उससे आपका दूध उबल के गिरेगा नहीं। दूध उबलने लगा है, मुझे उफान दिख रहा है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और दूध को 2 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए रख देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं दूध को फाड़ने के लिए नींबू और पानी मिला रही हूँ। उसको थोड़ा थोड़ा करके दूध में डालते हैं और हिलाते जाते हैं। हमें नींबू का रस डायरेक्टली नहीं डालना है, इससे रसगुल्ले से नींबू की खटास नहीं निकलती है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप है। आपको धीमे धीमे दूध फटता हुआ दिखाई देगा। अब अगर आपके दिमाग में भी मेरी बेटी वाला सवाल है कि कैसे पता चले कि दूध फट गया है, छेना और पानी जब अलग हो जाता है तो समझ लीजिए हमारा दूध फट गया है और हमारा छेना बन रहा है। अब दूध का पानी और छेने को अलग करने के लिए एक बॉल ले रही हूँ और उसके ऊपर एक छलनी रख रही हूँ और उसके ऊपर एक सूती कपड़ा डाल के रख रही हूँ। देखिए इसको मैं अच्छे से हल्के हाथ से निचोड़ के इसका पानी निकाल रही हूँ। जो मैंने छेना फाड़ा था उसका जो पानी निकला है उसमें बहुत प्रोटीन होता है, उससे आप आटा गूंद लें या सब्जी में डाल दें। अब इसमें हम ठंडा पानी डालकर उसको अच्छे से धोएंगे ताकि इसमें से नींबू की खटास चली जाए। अब ये अच्छे से धुल गया है। अब इसको अच्छे से निचोड़ के इसका पानी निकाल के इसको एक प्लेट में रख देते हैं। यहाँ मैं इसके ऊपर रख रही हूँ एक बट्टा। आपके पास कोई भी भारी सामान हो आप वो उसके ऊपर रख सकते हैं। ऐसा मैं यहाँ इसलिए कर रही हूँ कि इसका जो बचा हुआ पानी है ऐसा करने से बाहर निकल कर आ जाएगा। अब इसको मैं अच्छे से मस लूंगी। आपने देखा होगा कि हलवाई लोग बड़ी परात में इसको मसलते हैं ताकि इसको हथेली से अच्छे से मसला जा सके। बस हम छेने को हथेली से इस तरह से 4-5 मिनट तक मसलेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। अब देखिए मेरा ये 1 कप छेना है तो इसमें हम 1 छोटा चम्मच अरारोट पाउडर डाल रहे हैं मैदे की जगह। अगर मसलते समय आपके हाथों में चिकनाई आने लगे तो मसलना बंद कर दीजिए और इसका एक गोला बनाकर चेक करिए। गोला स्मूथ और परफेक्ट बना है। देखिए मेरे छेने के सारे बॉल तैयार हो गए हैं। अब हम चाशनी के लिए तैयारी करेंगे।
यहाँ मैं सबसे पहले चाशनी बनाने के लिए 5 कप पानी डाल रही हूँ। अब डालते हैं 1 कप शक्कर। इसमें शक्कर डाल के अच्छे से चलाना है ताकि इसमें तार वाली चाशनी नहीं बने, क्योंकि हमें इस चाशनी को पतला रखना है। आप देखिए चाशनी में बुलबुले आ गए हैं। अब 5 कलछी चाशनी अलग बाहर एक बोल में निकाल लेते हैं। अब उसकी जगह पर हम गर्म पानी तैयार करके रखे हैं, वो 5 कलछी इसमें वापस डाल देंगे ताकि चाशनी की क्वांटिटी उतनी ही रहे। अब हम इसमें थोड़ा और उबाल आने देते हैं। देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें हम एक एक करके रसगुल्ले डालेंगे। एकदम से हमें नहीं डालना, नहीं तो चाशनी का उबाल ठंडा हो जाएगा और रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। हमने सारे रसगुल्ले चाशनी में डाल दिए हैं और इसको ढक के 5 मिनट के लिए रखते हैं। अब मेरे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको लिड हटाकर एक बार रसगुल्लों को चेक कर लेते हैं और पलट देते हैं और इसको ढककर 10 मिनट के लिए और पकने देते हैं। देखिए 5 मिनट मैंने पहले ढक के रखा था, बाद में 10 मिनट के लिए रखा था, तो हमारे 10 मिनट ये पूरे हो चुके हैं। अब लिड को हटाकर हम रसगुल्ले को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे रसगुल्ले डबल साइज के हो गए हैं। अब मैंने जो चाशनी पहले से निकाल कर रखी थी वो ठंडी हो चुकी है, उसमें मैं इन सारे रसगुल्लों को डाल देती हूँ। अब रसगुल्लों को 1-2 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखती हूँ। हमारे रसगुल्लों ने चाशनी को बहुत अच्छे से सोख लिया है और हमारे रसगुल्ले बहुत ही स्पॉन्जी बन गए हैं। खुद भी खाइए औरों को भी खिलाइए। जब चखना हो अपनी माँ का स्वाद हर एक बार, तो देखते रहिए स्वाद अनुसार।